नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ, तो जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो इस कहानी को ना सुने और ना ही इसको कहानी को बच्चे सुने। दोस्तों होता क्या है कि 17-18 साल पहले गांव में शौचालय नहीं होते थे, तो लोग गांव में शौच करने के लिए खेतों में जाते थे, अब भी जाते हैं। तो क्या होता है कि एक रोमा नाम की लड़की होती है और वो रोज शौच के लिए अपनी माँ के साथ खेतों में जाती थी। तो ऐसे वो रोज हर रोज जाया करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी रात को आँख खुलती है और जैसे आँख खुलती है तो वो उठकर देखती है कि बिस्तर पर माँ उसकी है नहीं, और वो उसको लगा कि उसकी जो माता जी हैं वो शौच के लिए खेतों में चली गई, आज उन्होंने मुझे कहा नहीं। तो अब उसने किया कि जल्दी से चप्पल पहनी और वो उठकर चप्पल पहनकर उसने सीढ़ियों से जैसे उतरी तो उसने घड़ी पर टाइम देखा। तो घड़ी पर टाइम देखा तो उस टाइम सुबह के 5 बजे हुए थे। तो अब उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और सीधा जंगल की तरफ चली गई। तो जंगल भी घर से कोई आधा किलोमीटर दूर था। तो वो जैसे जैसे अब जंगल की तरफ गई तो उसको लगा कि हो सकता है मेरी माँ भी यहीं पर पास में होगी, ज़्यादा दूर नहीं होगी। तो ऐसे जाते जाते वो आधा किलोमीटर अंदर चली गई जंगल में। अंदर चली जाती है तो उसको थोड़ी, अब उसने माँ को आवाज़ मारी, माँ माँ तुम कहाँ हो? तो वहाँ कहीं से आवाज़ ना आए। तो उसने फिर और ज़ोर से आवाज़ मारी। तो अब जंगल भी था, रात भी थी, तो उसने देखा कि भाई जंगल तो बहुत ज़्यादा है, अब क्या करूँ, माँ तो वहाँ यहाँ पर है नहीं और ना ही माँ की आवाज़। तो होता क्या कि जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो अब उसने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं वापस घर की तरफ चल पड़ती हूँ, क्योंकि तो माता जी तो मिली नहीं। तो जैसे देखते हैं तो वहां पर उसको एक सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत दिखती है, थोड़ा वहां से कोई 200 मीटर की दूरी पर। तो पहले तो घबरा जाती है कि क्या चीज है, क्योंकि अंधेरे में जब हम आदमी कोई सफेद कपड़े में पहना हुआ कोई भी आदमी होगा तो भी आदमी डर जाता है। तो अब वो देखती है और वो फिर आवाज मारती है, उसने सोचा माँ होगी। तो आवाज़ मारी तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है। तो उसने कहा माँ माँ, तो ऐसे उसने 2-3 बार आवाज़ मारी, कोई रिप्लाई नहीं है। तो उसको ना वहाँ पर ऐसा हुआ कि जब भी वो, उसको लग रहा था कि यहाँ पर ना थोड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और थोड़ी सी ऐसे लग रहा था कि कुछ झाड़ियों में आवाज़ आ रही है किसी जानवर के चलने की, और थोड़ा चूड़ियों की आवाज आ रही है और छन छन की आवाज, झांझर की आवाज आ रही है। तो होता क्या है कि अब वो डरने लग पड़े कि ऐसी आवाज, क्योंकि उसने जो आवाज आ रही थी उसने इससे पहले कभी नहीं सुनी। पहले आती थी मगर वो आवाज थी गीदड़ सी यार वगैरह की होती थी, मगर उसकी माँ कहती थी जब भी अगर तुम्हें ऐसी आवाज आती है तो तू पत्थर मार देना। तो ये जो नॉर्मली जानवर होते हैं, जंगली जानवर भाग जाते हैं, मगर जो अब आवाज आ रही थी वो थोड़ी आवाज अलग आ रही थी और ऐसे लग रहा था कोई उसके कानों में ना कोई कुछ कहना चाहता है। तो उसको वो उसके बिल्कुल नजदीक करीब से आ रही थी आवाज। तो अब उसने देखा कि यहाँ तो अब वो, क्योंकि जब कोई भूत प्रेत आपको दिखता है तो आप डर जाते हो, वो डर गई तो और उसका शरीर में पूरा पसीने से लथपथ हो गया। तो घबराई हुई थी काफी और वो उसने कहा कि मैं घर की तरफ भागी। वो जैसे वो घर की तरफ भागी तो जो सामने एक औरत खड़ी थी सफेद कपड़ों में, वो औरत भी उसके पीछे भागने स्टार्ट हो गई। तो जैसे जैसे वो भाग रही थी वो साया भी उसके पीछे आ रहा था। तो अब ऐसे जैसे तैसे वो जल्दी से अपने घर पहुंची, और जैसे पहुंची तो थोड़ा खेत के पास से पहुंची, घर के पास पहुंचने वाली थी तो उसकी जो माँ थी तो उसने देखा वो उठ गई थी। तो उसने देखा कि जो
रोमा है, वो रोमा कहाँ चली गई होगी। तो सामने से देखा कि उसने वो लड़की भागी आ रही है, और तो मगर उसको साया नहीं दिखा। तो जैसे भागी आई तो उसने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा, माँ वो औरत आ रही है पीछे, पीछे वो औरत आ रही है मेरे। तो उसने, कौन औरत? तो उसकी माँ देखती है तो वहाँ पर कोई औरत नहीं। तो फिर उसने कहा, माँ आप जंगल में गए थे शौच के लिए? तो उसने कहा, नहीं। तो वो डर जाती है क्योंकि आप अब ये माँ तो गई नहीं थी। तो उसने कहा, माँ मैं तो आपके पीछे चली गई थी, मुझे लगा आप तो जंगल में शौच के लिए गई होंगी और आपने आज मुझे बताया नहीं और मैं आपके पीछे पीछे चली गई। और वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि मुझे एक औरत वहाँ पर मिली और वहाँ पर चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी, तो वो भी मेरे पीछे भाग रही थी। मैं घर की तरफ भागने लगी तो वो मेरे पीछे भागने लगी। तो जैसे भागते हुए फिर आपने देख लिया, तो ऐसा मेरे साथ हुआ। तो माँ ने कहा कि तुमने घड़ी नहीं देखी? तो कह रही, मैंने घड़ी तो देखी मगर घड़ी में अभी 5 बज रहे थे सुबह के। तो मैंने कहा, सुबह का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, तो इस टाइम कुछ नहीं होगा। तो फिर माँ को याद आया कि घड़ी तो कल शाम की बंद थी 5 बजे की, क्योंकि उसका सेल खत्म हो गया था। और जब उन्होंने फिर दूसरी घड़ी में टाइम देखा तो उस टाइम रात के 12 बजे हुए थे। और वो लड़की घबरा गई कि 12 बजे वो जंगल में घूमकर भी आ गई और उसको साया मिला। तो जो उसका शक था वो उसका बिल्कुल वो बदल गया कि सच में कोई भूत प्रेत था। पहले तो सोचा कि कोई औरत वैसे ही है, मगर जब उसने देखा कि अभी रात के 12 बजे हैं तो वो घबरा गई। और फिर उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं। और अगले दिन फिर उसकी माँ जो थी उसका झाड़ू फूंक कर करवाते हैं ना, जैसे गांव में जाते हैं लोग तांत्रिक के पास या चेले के पास जाते हैं, तो चेले से उसको फिर भभूता वगैरह दिलवाई। तो दोस्तों, ये रोमा की जिंदगी की ऐसी घटना थी जो हो सकता है वो जिंदगी भर ना भूले। तो दोस्तों, ये कहानी जो थी ये हिमाचल के स्वाणा गांव की थी, आज से 17-18 साल पहले ये बात हुई थी। और मैं बीच में गांव देहात में जाता रहता हूँ तो मुझे काफ़ी लोग बताते हैं, जैसे बुजुर्गों के साथ मेरा काफ़ी बैठना उठना बैठना है, तो बुजुर्ग लोग अपने साथ जो घटित हुई होती हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं। तो दोस्तों, मैं एक आपको बता दूं कि जो भूत प्रेत होता है, भूत प्रेत से डरना नहीं चाहिए। अगर आपको मिलता भी है तो कभी भी नहीं डरना है, भूत प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आपने उसके साथ बात नहीं करनी है। अगर आप बात करते हैं तो आपकी ऑन स्पॉट डेथ हो सकती है, क्योंकि वो आदमी नहीं है, इंसान नहीं है। तो हम आदमी से ही बात कर सकते हैं, भूत से बात नहीं कर सकता। तो क्योंकि वो एक हवा होती है, इंसान जो होता है हवा से मजबूत होता है, आदमी का शरीर पंचभूत होता है और जो हवा होती है वो एक भूत होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको ये चीज़ मिलती है उसके साथ कभी भी बात नहीं करनी है। नंबर दो, सबसे पहले तो आपने देखना है कि उसका साया कहाँ है, क्योंकि जब आप ऐसे भूत प्रेत आपको दिखते हैं तो आपको उसका अगर साया दिख रहा है, परछाई, परछाई होती है ना, परछाई आपने देखनी सबसे पहले। जंगल में आपको कोई इंसान मिलता है दोस्तों, भूत प्रेत होते हैं, उनके लिए वो किसी भी आदमी का रंग रूप बना सकते हैं, वो आपके घर के मित्र के रूप में भी आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ें किसी का ही भेष बदल सकती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपने आपको अकेले में जंगल में कुछ भी मिलता है तो सबसे पहले आपने उसका जो है साया देखना है। अगर साया उसके साथ है तब तो वो इंसान है, और आपको सिर्फ वो आदमी तो दिख रहा है मगर उसका साया नहीं दिख रहा है, तो समझ लो कि वो भूत है, भूत आपके साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये जो मैंने सच्ची घटना बताई है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।